नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको स्मार्ट कार रिव्यू में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किया मोटर्स की सुपर डुपर कार सोनेट और मारुति सुजुकी की आन वान और शान कहलाने वाली एसयूवी विटारा विरजा कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे किया मोटर्स की सोनेट एसयूवी कार और मारुति सुजुकी की विटारा विरजा कार की। जी हाँ दोस्तों, उसके हर एक खास फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उसकी प्राइस क्या होगी, इन दोनों कारों की इंजन पावर क्या है, तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे 2020 किया मोटर्स की सोनेट और मारुति सुजुकी की विटारा विरजा एसयूवी कार से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों 2020 की मारुति सुजुकी विटारा विरजा कार और किया की सोनेट एसयूवी कार काफी यंग जनरेशन फीचर के साथ लैस होगी। तो इन्हीं सब फीचर्स के लिए ये दोनों कार इंडिया में खूब पसंद की जा रही है और इनकी चर्चा भी खूब हो रही है। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजार में सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक और दिग्गज प्लेयर की एंट्री होने जा रही है। दक्षिण कोरिया की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी किया मोटर्स से यहां के बाजार में अपनी नई एसयूवी किया सोनेट को लॉन्च करने जा रही है। हाल में ही इस एसयूवी का वर्ल्ड प्रीमियम भारत में किया गया था। इस एसयूवी के भारत में पेश होने के साथ ही इसकी तुलना मौजूदा वर्ल्ड से होने शुरू हो चुकी है। आज हम इस एसयूवी की तुलना मौजूदा मारुति सुजुकी से करेंगे और बताएंगे कि आपके लिए बेहतरीन एसयूवी कौन सी होगी। वहीं मारुति सुजुकी विटारा विरजा कार की जहां तक की डिजाइन और एक्सटीरियर की बात करें तो मारुति सुजुकी विटारा विरजा कार में आपको कंपनी ने एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए हैं, फॉग लाइट के साथ कंट्रास्ट कलर के रूम फ्रेल दिए हैं। इसके अलावा इसमें आपको 16 इंच तक की डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, फॉग लाइट और एलईडी टेल लाइट दिए हैं। इसके अलावा फ्रंट में आपको सुजुकी की बेजिंग के साथ एक हैवी सिलुक की फ्रंट ग्रिल दी गई है। ग्रिल के साथ आगे और पीछे बम्पर पर रेड एक्सेंट भी दिए गए हैं। मारुति सुजुकी विटारा विरजा कार में कंपनी ने 7 इंच तक की टच स्क्रीन इनपुट सिस्टम भी दिया है जो की कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस के एडवांस फीचर को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा इसमें आपको ग्लव बॉक्स, स्लाइडिंग फ्रंट आराम रेस्ट के साथ स्टोरेज स्पेस, क्रूज कंट्रोल दिया गया है। कार के अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्लाइमेट कंट्रोल, कप होल्डर दिए गए हैं। जहां तक की सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डुअल फ्रंट एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं किया सोनेट में कंपनी ने सेगमेंट का सबसे बेहतरीन 10.25 इंच तक की इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है जो कि UVO कनेक्टिव फीचर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल, कूलिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ड्राइवर और ट्रैक्शन मोड भी दिए गए हैं। इस एसयूवी को आप अलग अलग मोड पे ड्राइविंग कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इस एसयूवी में आपको 6 एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ ब्रेक असिस्टेंट भी दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मारुति सुजुकी विटारा विरजा कार में आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 103 BHP के करीब पावर देगी और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। और ये पेट्रोल इंजन आपको BS6 नाम के साथ न्यू विटारा विरजा कार में देखने को मिलेगी। और ये BS6 पेट्रोल इंजन आपको 5 स्पीड की मैनुअल के साथ साथ 4 स्पीड की ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की ऑप्शन में भी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ नई किया सोनेट एसयूवी कार में आपको कुल 3 इंजन की ऑप्शन देखने को मिलेगी जो कि 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन की ऑप्शन में होगी। और ये तीनों इंजन आपको BS6 नाम के साथ न्यू किया सोनेट एसयूवी कार में देखने को मिलेगी। और ये BS6 पेट्रोल इंजन आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 83 PS के करीब पावर देगी और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। और ये BS6 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आपको 5 सीट की मैनुअल ट्रांसमिशन की ऑप्शन में देखने को मिलेगी। वहीं जबकि दूसरे पेट्रोल इंजन की ऑप्शन में आपको 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 120 PS के करीब पावर देगी और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। और ये BS6 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन आपको 6 स्पीड के इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 7 स्पीड के डुअल क्लच ट्रांसमिशन गियर बॉक्स की ऑप्शन में भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा डीजल इंजन की ऑप्शन में आपको 2 अलग अलग ट्यून में पेश करेगी किया मोटर्स। इसमें आपको एक वर्जन में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 100 PS के करीब दमदार पावर देगी और 240 न्यूटन मीटर का
टॉर्क जनरेट करता है। और ये BS6 डीजल इंजन आपको 6 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन की ऑप्शन में देखने को मिलेगी। वहीं इसके दूसरे वेरिएंट में आपको 115 PS के करीब पावर देगी और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। और ये BS6 इंजन आपको 7 स्पीड की डुअल क्लच ट्रांसमिशन की गियर बॉक्स की ऑप्शन में देखने को मिलेगी। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ बात करें 2020 मारुति न्यू विटारा ब्रेजा कार की कीमत की, तो कीमत में आपको 7.34 लाख रुपीज से शुरू होकर 11.4 लाख तक की आपको इंडिया के मार्केट में देखने को मिलेगी। हालांकि इस SUV में कार में आपको केवल पेट्रोल इंजन के साथ ही मार्केट में उपलब्ध देखने को मिलेगी, जबकि किया सोनेट को पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले इसकी कीमत के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन स्मार्ट कार रिव्यू के मुताबिक इसकी शुरुआती कीमत 7 लाख रुपीज से शुरू हो सकती है। तो दोस्तों 2020 की मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा कार और किया की सोनेट SUV कार आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।